हेलो जी, राम राम जी। कैसे हैं आप सभी? आशा करते हैं कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं नितिका शेखो एक बार फिर से करती हूँ स्वागत दिल से। तो गाइज, आज मैं हाजिर हूँ एक नया व्लॉग लेकर, और टाइम हुए हैं जी दोपहर के, 3 बज गए। दोपहर की चाय का टाइम हो चुका है। तो गाइज चलिए कीजिए अपने आधे दिन की शुरुआत हमारे साथ में, क्योंकि रोज करते हो सुबह से। तो गाइज देखिए, बाहर का व्यू आपको दिखाऊंगी। अब तक काफी तेज धूप थी, लेकिन जी अब मौसम चेंज हो चुका है। 2 दिन से काफी तेज धूप थी, हालांकि दिसंबर में ऐसा मौसम नहीं होता इतनी तेज धूप, लेकिन फिर भी था। और जी उसी का रीजन है, देखिए बादल हो चुके हैं गाइज, क्योंकि बारिश भी बता रहे हैं 1-2 तारीख के आसपास। तो देखिए जी, और देवसी सोई थी वो जग गई है, और मम्मी जी और प्रीत उसको संभाल रही है क्योंकि वो रो रही है, अभी सो के उठी है। तो जी अब सबको पिलाएंगे गर्मा गर्म चाय। तो गाइस देखिए, चलिए हो जाएगी गर्मा गर्म चाय पीने के लिए, ये रेडी चाय बनने लग रही जी। और ये कर लिया है जी मैंने देवसी की नाभी में हींग का कॉटन तैयार। इसको पेट में हो रहा थोड़ा सा दर्द, मेरे बाबू के दवाई भी दे दी और अभी इससे हो जाएगा सही। लो अम्मा लेंगे, अम्मा। अब ये देसी नुस्खा, इससे ना देवशी का दर्द ऐसे हो जाएगा छू मंत्र। तो जी इसको थोड़ा थोड़ा सा ना दर्द हो रहा पेट में, टैबलेट भी दे दी, और आज ये देसी नुस्खा भी हमने आज मालिया इनकी कॉटन रख दी देवशी की नाभी पर। और गाइस देखिए, मैं तो भूली गई थी, मैंने कर लिया था अपने साथ झगड़े का काम। पति देव सुबह लेकर आए थे लेमन ग्रास की, इसको चाय में डालना है, आज इससे चाय बनानी है। और जी मैं तो भूल ही गई थी गाइज, और वो जग भी गए, वो फिर उठकर देखते हैं कि डाला नहीं, हालांकि टेस्ट भी आ जाता है। तो जी अभी पूरी तरह से उबाल नहीं आया, सिर्फ दूध डाला है मैंने। तो जी इसमें थोड़ी सी कटिंग करके लेमन ग्रास डाल देती हूँ। तो जी देखिए, लेमन ग्रास की बढ़िया गर्मा गर्म कड़क कड़क चाय बनकर रेडी है गाइज। आइए आप भी पीजिए स्पेशल लेमन ग्रास चाय। तो गाइस देखे, रोड पर बन रही है आउटलाइन। तो जी देखिए, ये रोड पर खींच रही है पट्टी, आम भाषा में तो पट्टी बोलते हैं, लेकिन वैसे आउटलाइन बोलते हैं शायद, सही मुझे पता नहीं क्या बोलते हैं। जैसी कॉफी की मशीन हो ऐसी मशीन सी ले रहे हैं। आज देखिए, आज है संडे, और संडे में चलती है जी घर पे वाहनों की धुलाई। पति देव कर रहे हैं, और एक बंदा बुलाया जिनके साथ में जाता है डेली ऑफिस, तो दोनों मिलकर करेंगे जी धुलाई। तो आज देखिए, मम्मी बेटी आ चुके हैं जी पीछे कपड़े उतारने के लिए, और आज संडे में भैया इतना काम होता है गाइज, क्योंकि बच्चे भी घर पर ही रहते हैं और पति देव भी घर पर रहते हैं, तो जी काम बहुत हो जाता है, और संडे में कुछ एक्स्ट्रा काम भी हो जाता है। आज बच्चों के बैग भी धुले, और आशीष जी के ऑफिस का बैग भी धुला, और सूज वगैरह धुले। तो जी काम भैया बहुत ज़्यादा हो जाता है, और अब तक तो धूप धाप बड़ी अच्छी हो रही थी, अब मौसम हो चुका है जी चेंज, क्योंकि अब आएगी जी 1-2 दिन में बारिश। भैया हो जाइए तैयार बारिश के लिए अब सभी। और वेव्स है पूरे स्काई में, वेव्स हो रखी है। और गाय जी हम दोनों कपड़े क्या उतार रहे थे, तो आपस में हम दोनों के तार ही भिड़ गए, जैसे 2 बार हो लिया है अभी अभी, ऐसे टच किया ना गाइज, तो करंट सा जैसे बॉडी में हल्का सा मार गया, मेरा भी दिल लग गया। तो जी हल्का हल्का सा जैसे बॉडी में करंट सा होता है ना, ऐसे टच करते ही ना करंट सा महसूस दिया, और ये ज्यादातर गाइज इसी मौसम में होता है हर साल। आउच गर्म कपड़ों की वजह से होता है, किस वजह से ये तो पता नहीं, लेकिन जी वैसे ये होता है। बिजली आ जाती है, हाँ मेरे अंदर ना 440 वोल्ट का करंट आ जाता है। आजा देख के कह लेना।
अपने घर जा चुके हैं और इधर देखिएगा जी, सूर्यदेव जा चुके हैं और चंद्रदेव आ चुके हैं। देखिए बिल्कुल टावर के ऊपर चंद्रदेव दिखाई दे रहे हैं। और गाय देखिए मेरे बाबू के ना पेट के दर्द को आराम नहीं मिला, लेट रहा, तो जी अब इसको लेकर जाना पड़ेगा डॉक्टर के यहाँ पर। तो अब अपने बाबू को डॉक्टर के यहाँ पर लेकर जाएंगे। अब अच्छे से कपड़े पहनाऊंगी जिससे ठंडी वंडी ना लगे, थोड़े मजबूत से कपड़े। आराम नहीं हुआ बेटा अभी, दर्द हो रहा अभी भी? चलो ठीक है, रेडी हो, चलो डॉक्टर के लेके चलेंगे, ठीक है। तो गाइज देखिए अब लेकर जा रहे हैं जी हम देवशी को डॉक्टर के यहाँ पर। और गाइज अच्छे से कपड़े पहनने, क्योंकि मजबूत से, क्योंकि इस टाइम गाड़ी लेकर नहीं जा सकते, मंगलोर में जाम हो जाता है। और वैसे भी आज संडे है, तो जी शाम को संडे में बहुत प्रॉब्लम होती है मंगलोर में निकलने में। तो बस चलिए लेकर चलते हैं अपने बाबू को। तो जी देखिए आप यहाँ पर देख सकते हैं गाइस जाम की हालत। और अच्छा हुआ जी हम गाड़ी से नहीं आए, क्योंकि पता रहता है इस टाइम बंगलोर में जाम की हालत रहती है, काफ़ी टाइम लग जाता है गाड़ी से। ना मुझे देखना नहीं, स्कूल का रास्ता। अच्छा पहचान गए देवसी ने, स्कूल का रास्ता। लगानी ना इंजेक्शन, मना कर दिया था मैंने डॉक्टर साहब को, ठीक है। छोटा सा बेबी आया, स्माइल तो देखो। देखिए हम देवशी को डॉक्टर के यहाँ पर लेकर गए थे, उसके पेट में हल्का सा दर्द था, तो जी डर था कि कहीं रात को ज्यादा ना हो जाए, इसलिए दिखा लाए, अब ठीक आराम से सोएगी वो। और गाइस देखिए कल आप सभी को पता है गाइस, कल है क्या है प्लीज बताइए? क्रिसमस। हमारे यहाँ पे कम होता है, हमारे यहाँ पे बड़ा दिन ज्यादा माना जाता है। तो जी कल है बड़ा दिन, कल से दिन बड़ा होना शुरू हो जाता है, जो ये छोटा हो रहा है ना वो बड़ा होना स्टार्ट हो रहा है। और उसी खुशी में, और आज संडे भी था, सब घर पर थे, तो संडे संडे स्पेशल। और बड़े दिन की खुशी में गाय जाइए, आप सबका मुंह मीठा कराएंगे, खाइए जी मलाई जाम। तो लीजिए गाइज, सबसे पहले हमारी यूट्यूब फैमिली का बनता है भाई, आइए यूट्यूब फैमिली हमारी, खाइए जी गाइज। ये भी देखो नई क्वालिटी के गुआवा, नई क्वालिटी की कितनी कितनी लेयर्स चढ़ाई हुई है, लेयर्स तो चढ़ाई इनका, वो तो देखो एक हाथ में आम ही रही, वेट तो देखिए दिखाओ, बहुत भारी है, वेट तो देखिए गाइस इनका, दिखाते हैं अभी आपको। चलो इसको मेरे को खोल लाए थे, ये क्या है, ये इसमें लगा रखे थे ना। तो गाइस देखिए ये कहीं बाहर से आए हुए अमरूद, हाफ के जी गाय की, हाफ के जी गाय, हाँ हाफ के जी में, ये देखो। तो गाइस देखिए, और आइए गाइस आप भी खाइए, क्योंकि सबसे पहला तो भाई आप सबका ही बनता है, आइए जी हम तो बाद में खाएंगे। और चलिए गाइस अब करेंगे अपने व्लॉग का एक एंड, कल सुबह फिर से मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ में, तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट, हैप्पी संडे।